पिछली सरकारों में बीच में कैंची चलाने वाली बिचौलिया थे। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा स्थित छवि मियांवाला बाग के मैदान में आज भाजपा प्रत्याशी अनूप बाल्मीकि के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने जात लैंड कही जाने वाली सादाबाद विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने मंच विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों में बीच में कैंची चलाने वाली बिचौलिया थी, वो मलाई खा लेते थे। योजना अच्छी होती थी, घोषणा अच्छी होती थी, लेकिन जमीन पर कुछ मिलता नहीं था। वे खोखले वादे रह जाते थे। अब योजनाओं का लाभ सीधा पहुंच रहा है, यह अंतर 10 में नजर आया है। जयंत चौधरी ने कांग्रेस की चुनावी घोषणा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मैंने उनके मैनिफेस्टो को लाइन बाई लाइन पढ़ा है। हर छात्र महिला को हर साल पैसा दे देंगे, आपको मालूम है कि कहाँ से देंगे। कहीं कटौती होगी या वसूली होगी तो कहीं GST बढ़ाकर वसूली होगी, तभी तो देंगे। किसानों ने अपना हिसाब नहीं लगाया। किसानों को सालाना मिलने वाले 6,000 रुपये इनके मैनिफेस्टो में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। अगर ये लोग सरकार में आएंगे तो 6,000 रुपये खत्म कर देंगे। वहीं संविधान में आरक्षण को लेकर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सामाजिक न्याय की लड़ाई चौधरी चरण सिंह जी ने लड़ी, देश के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं लड़ी है। मंत्री हैं राज्य में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बड़े NDA के प्रतिनिधि और हमारे शासन में पूरी तरह से बड़ी जीत है। न्याय की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और हमारी नजर उस परिवार में आगे भी रहेगी और उनके साथ न्याय पूरी तरह से होगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार भी कदम उठाई है। राशि जिन्होंने खाई वे बड़े लक्ष्य को देखते हुए, बड़े मुद्दों को देखते हुए सब कुछ हमने उन बातों को स्वीकार किया और उससे आगे बढ़े। वो पीछे की बात है। आप ये भी देखिए कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न भी इस सरकार में, ये ऐतिहासिक फैसला सरकार ने। कोई बात नहीं, राजी ये तो राजनीतिक व्यवस्था में जो लोग मंत्री होते हैं उनके अंदर साहस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, उनको संघर्ष करना चाहिए। कोई बात नहीं, वो मेरे संघर्ष का हिस्सा है, मेरे जीवन यात्रा का हिस्सा है। आज जो कुछ भी मैं हूँ वो संघर्ष के कारण। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी ICU, PICU, NICU सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपये में OPD।